वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना से मुस्ताफी हो गए। तारिक बशीर चीमा का कहना था कि उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की इजाज़त से इस्तीफा दिया। 1000% इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। मेरा ज़मीर इमरान खान पर इजहार एतमाद की इजाज़त नहीं देता। जनूबी पंजाब सूबा के मामले पर 1 नहीं 20 बार झूठ बोला गया। मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकते थे। वजीर आजम ने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया। जो मैंने रिजाइन किया है, मैंने चौधरी शुजात साहब से इजाजत लेकर रिजाइन किया है। परवेज अली साहब से इजाजत नहीं ली मैंने, और चौधरी शुजात साहब से मैंने इजाजत भी ली। मैंने उन्हें कहा कि मैं वोट भी इसके खिलाफ डालूंगा। मेरी उनसे बात इनकी हुकूमती वक्त की मौजूदगी में हुई थी। मेरे हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। देखें, इन्होंने हमारे साथ एक दफा नहीं को 20 दफा झूठ बोला है कि हम जनूबी पंजाब सूबे को जो ये चूरन बेच रहे हैं। हम मैंने इन्हें कहा था कि एक यूनैनिमस करारदाद पास हुई हुई है पंजाब असेंबली की, ये जितनी आपकी पीटीआई है आज, ये पहले मुख्तलिफ जमातों में होते थे, इन्होंने वोट डाला हुआ है और यूनैनिमस करारदाद है कि हमें जनूबी पंजाब से कोई इख्तलाफ नहीं। आप उन्हें सूबा बनाए, भावलपुर को भी सूबा बनाए, हम तो सूबे के तौर पर काम करते रहे। और ये जो चूरन बेच रहे हैं, आप 3.5 साल शाह महमूद कुरैशी साहब को होश नहीं आया और अब उनको पता है कि चूरन बिकने का टाइम आ गया है, इलेक्शन करीब हो सकते हैं, तो इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी खत लिख दिया, इन्होंने बिलावल भुट्टो को भी खत लिख दिया, क्यों मिलकर जनूबी पंजाब को सूबा बनाए। इसके ऊपर आज मेरी इनकी तलखी हुई चोई साहब की मौजूदगी में, और मैंने इनको कहा, मैंने कहा जाकर मेरा मैसेज दे देना प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उसको वोट नहीं डाल रहा। पूरी फैमिली मेरी मोहसिन है, मैं अपनी हैसियत और औकात से वाकिफ हूँ। मेरे वो मोहसिन है, मेरे हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने बिल्कुल बड़ों वाला शफकत का हाथ रखा है मेरे ऊपर। ऐसे आदमी को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई चीज अंदर से भी होती है आपके, इंसान सोचता है यार कि बस बहुत हो गया ना, कि आंखों के सामने आपके सामने झूठ बोला जाए। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं 4 दफा नहीं, वो लोग जिन्होंने जनूबी पंजाब महाज बनाया था, अगर आप रिकॉल करें, ये जो लोग भागे हैं इनमें से 80% वो हैं जो जनूबी पंजाब का सूबा मांगने आए थे पीटीआई में। आज ये फैसला किया हो ना, फिर तो चोई साहब मुझसे नाराज हो। मैंने तो उनको एक दफा नहीं, मेरा ख्याल है कुछ सैकड़ों दफा कहा है कि मैंने इसको वोट नहीं डाला। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं चौधरी साहब के साथ हूं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैं अपोजिशन का साथ दूंगा।